तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डोसा की रेसिपी, और रिज़ल्ट तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितना परफेक्ट ये डोसा बना है। तो सभी टिप्स और ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, उन सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप ये डोसा बनाएंगे तो पहली बार में ही एकदम परफेक्ट डोसा बना लेंगे। बस वीडियो आप पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आप एकदम परफेक्ट डोसा बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो इसे बनाने के लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3 कटोरी चावल लिए हैं और 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। मेज़रमेंट आप यही रखिएगा, 1 कटोरी उड़द दाल, 3 कटोरी चावल, और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने ली है चना दाल, और उससे भी आधी मैंने ली है उड़द दाल, और करीब 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिया है मेथी दाना। सभी चीज़ों को मैंने भिगो दिया था, एक साथ ही भिगो दिया है मैंने। तो इसमें चावल आपको बासमती नहीं लेने हैं, बासमती को छोड़ करके आप कोई भी चावल ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे पीसना है। तो पहले ही मैंने इन दाल चावल को अच्छे से धो लिया था। अब ये जो पानी है ना, इसमें इसी का यूज़ करते हुए हम इन चावल को पीसेंगे, क्योंकि पीसते समय थोड़ा पानी तो हमें लगेगा, तो इसी पानी को हम इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इसे हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छे से फर्मेंट होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप दाल चावल को अच्छे से धो लें और उसके बाद में साफ पानी में इसे भिगोएं, ताकि पीसते समय आप उस पानी को यूज़ कर सकें। एकदम स्मूथ पेस्ट आपको तैयार करना है, मिक्सी में आसानी से पीस जाता है। ये देखिए बिल्कुल चिकना पेस्ट तैयार करना है। डोसा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो टिप है वो यही है कि ये जो पेस्ट आप पीसेंगे ना, ये बिल्कुल चिकना पीसिएगा तो डोसा एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो एक बैच मैंने पीस लिया है और दूसरा बैच भी अब मैं पीस लूँगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये एकदम फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने पीस लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो करीब 10 से 12 घंटे के लिए हम इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं तो नाइट में इसे पीस करके रख दीजिए, और अगर नाइट में बनाना चाहते हैं तो मॉर्निंग में पीस करके रख दीजिए। और ये देखिए करीब 10 घंटे हुए हैं और ये कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है। पास से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए बहुत ही बढ़िया फर्मेंट हुआ है। बस किसी गर्म जगह पर रखिएगा आप इसे, तो बहुत ही अच्छे से ये फर्मेंट हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, तो जितने डोसे हमें बनाने हैं उसके हिसाब से हम अलग बर्तन में इसे निकाल लेते हैं और इसमें पानी और नमक ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और नमक ऐड कर देते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है डोसे बनाना, बस एक बार आपको इसकी सही माप का पता चल जाए और किस तरह का हमें इसे पीसना है और फर्मेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सभी चीज़ें जब आप समझ लेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट डोसा आप घर पर बना लेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं डोसा। तो मेरे पास ये कास्ट आयरन का तवा है, मैं इस पर बना रही हूँ। आप अगर कोई थिक लोहे का तवा है आपके पास में, तो उस पर भी आसानी से डोसा बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल मैंने इस पर लगा लिया था और इसके बाद में इसे टिश्यू पेपर से साफ कर दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए हल्का सा तेल लगा करके मैंने पोंछ दिया है। अब हमें डोसे के लिए इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो थोड़ा सा पानी मैं इस पर डाल देती हूँ, पोंछ देती हूँ उसके बाद में इसे, क्योंकि तवा अगर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो डोसा तुरंत ही जल जाएगा। फ्लेम मैंने समय पर लो कर दी है और आप देख सकते हैं कि पूरा तेल मैंने इस पर से हटा दिया है। कास्ट आयरन के तवे की यही खासियत होती है कि इस पर बार बार आपको तेल नहीं लगाना पड़ेगा। और अभी देखिए करीब 2 चम्मच बैटर मैंने इस पर डाल दिया है। इस तरह से क्लॉक वाइज घुमाते हुए हम इसे बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से, और आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट ये डोसा बन रहा है। आप लोहे के तवे पर भी इतनी ही आसानी से बना सकते हैं, बस तवा थोड़ा सा थिक होना चाहिए। जल्दी ही मैं आपको लोहे के तवे पर भी डोसा बना करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए
डोसा ऊपर से पक चुका है तो अब हम इस पर लगा देंगे बटर। बटर से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और ये काफ़ी अच्छा क्रिस्पी बनता है। साथ ही इस पर इससे हल्का गोल्डन कलर भी आएगा जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से बटर हमने लगा दिया है। जैसे जैसे ये डोसा पकेगा ना ये अपने आप तवे को छोड़ेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए बटर मैंने अच्छे से लगा दिया है। फ्लेम मैंने शुरू में लो रखी थी और उसके बाद में मैंने मीडियम कर दी है। तो ये डोसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से पक रहा है। बटर को हम इस तरह से अच्छे से फैला देंगे और पलटे से थोड़ा इस तरह से हम इसे दबाएंगे ताकि ये सभी साइड से अच्छे से सिक जाए। दोस्तों बहुत ही आसान है डोसे बनाना, फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए कितनी आसानी से ये डोसा निकलेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये सिक चुका है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, हल्का गोल्डन कलर भी इस पर आ गया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर इस पर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही अच्छे से ये डोसा सिका है। अब आप इस पर चटनी लगाना चाहें तो चटनी लगा लीजिए या फिर आलू का मसाला बनाकर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको ये सिंपल डोसा बना करके दिखाया है। कारा चटनी, मूंगफली चटनी, सांभर सभी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो सभी रेसिपीज़ भी आप देखिए। और ये देखिए कितना बढ़िया ये डोसा बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ये सर्व कर रही हूँ कारा चटनी और नारियल की चटनी के साथ में, साथ में मैंने आलू का मसाला भी रखा है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।